Okay, so hi guys, this is Unwanted here and welcome back to a new video. And basically guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्सेज वन की सिचुएशन के बारे में. मतलब TDM में हमने वन वर्सेज वन किया है अपने अदनान भाई के साथ, जिनके YouTube चैनल का नाम है गॉर्जियस 2.0, आप जाके चेक कर सकते हैं. इनकी एक मूवमेंट है मोशन मूवमेंट के नाम से, जो मैंने इनकी फर्स्ट वीडियो देखी थी और मुझे वो इतनी पसंद आई कि मुझे पता चला कि ये अपने कस्टम्स में खेलने आते हैं, एक जनरेशन के प्लेयर हैं. तो फिर मैंने इनको वन ई वन चैलेंज किया कि मतलब मुझे देखना है कि मोशन मूवमेंट के अगेंस्ट कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट है. और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, सिंपली कमेंट्री करने वाला और वॉइस ओवर करने वाली कुछ बात है, लेकिन मैं फिर भी करूँगा क्योंकि एटलीस्ट वीडियो में थोड़ी जान आ जाती है. और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अदनान भाई हमारा, देखो जो क्राउच फायर है ना, क्राउच फायर के साथ जिगल जिगल बहुत ही प्यारा करते हैं, ठीक है. आई डोंट नो कि ये मोशन मूवमेंट का पार्ट है या नहीं, लेकिन ये चीज़ बहुत सही लगती है मेरे को. इसके बाद मैं एक मिनट के लिए जरा AFK हो गया था और मैं वापस आ चुका हूँ, ठीक है. और AFK को मैं पता नहीं क्यों गया था, शायद हाँ पाउडर मारने गया था हाथों में, क्योंकि मुझे था कि ये मुझे TDM जीतना है वाला. अब अदनान भाई को लगा कि मैं AFK हूँ, तो फिर वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है ये हमारे बीच, ठीक है. तो फिर मैं यहाँ पर दोबारा फाइटिंग स्टार्ट करता हूँ, एक बार इनको मार देता हूँ, जिससे 1-1 का जो स्कोर अपना इन्होंने किया था वो इक्वल हो जाता है, ठीक है. अभी जा चुके हैं अपनी लॉबी में एंड जो अपना स्पेक्टेट मोड है उस पर बैठे हैं अपने सन्नी बाजी विद टाकाई गेमिंग, उनका अकाउंट का नाम है. और ये उनका जैसे अपने दोनों के प्रोस्पेक्टस से दिखा पाएंगे और ऊपर ड्रोन शूट से भी दिखा पाएंगे, लेकिन ड्रोन से इन्होंने कुछ ज़्यादा दिखा दिया वो मैं मानता हूँ. तो देखो भाई, यहाँ पे इनको बिल्कुल 10 SP कर दिया, लेकिन पता नहीं क्या ही जंप फायर दिया और पूरे हेड हेड पकड़ा दिए और बहुत ही OP मारा यहाँ पर यार, मज़ा ही आ गया देखे. मतलब बिल्कुल 10 HP थे, मेरे को एक गोली मारी थी लेकिन बहुत गंदा एम चौक हुआ मेरा एंड एक दो तीन हेड लगने की वजह से बिकॉज जंप शॉट में हेड लग गए और मी ओवर, ठीक है. अब यहाँ पर भाई देखो, एक और बात मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा, इस टाइम मेरा और इनका दोनों का पिंग हाई था. इसमें आपको पिंग 108 दिख रहा है क्योंकि ये सन्नी पाजी ने रिकॉर्ड किया है. और हमारा था कि हमें सिर्फ क्रॉस हेयर के जो फायर उस पर काम करना है, क्रॉस फायर नहीं बोलूँगा उसको, हिप फायर बोलूँगा, उस पर काम करना है, स्कोपिंग नहीं करना. लेकिन मुझे आदत नहीं है तो मेरा बीच में स्कोपिंग हो गया था, लेकिन ऐसा सच कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने उनको एक बार भी स्कोपिंग से फिनिश नहीं किया है. और जितनी बार मैंने स्कोपिंग करके थोड़ा बहुत डैमेज दिया, मैं फॉल बैक कर जाता हूँ ताकि थोड़ा BT ना हो ना. और MSS यहाँ पर अपना ऑफ रहेगा, ठीक है. और यहाँ पर देखो भाई, सिंपली अदनान भाई हमारे पास दोबारा आ चुके हैं, 2-3 का स्कोर चल रहा है. और देखो ये फिर से क्राउच फायर करने की बहुत प्यारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको मैं आराम से आके मार दूंगा. पता नहीं यहाँ पर इनको क्या सीन था, समझ नहीं आया कि कहाँ से आ रहा हूँ मैं. उसके अलावा भाई देखो, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, इस वाले मैच में बहुत ज़्यादा BT हुई है बिकॉज ऑफ डीसिंग, ठीक है. 3G का स्कोर हो गया है इस पूरे मैच में, मेरी और इनकी दोनों की बहुत ज़्यादा डीसिंग होगी. और ये थोड़ा सा भी AFK गए थे, बस इसके बाद अभी कोई हम में से AFK नहीं जाने का, अब दोनों मस्त अपना खेलेंगे. तो सिंपली आ रहे थे और मैं तो अपना सिंपल मूवमेंट है भाई, लॉन्ग जिगल जिसको मैं बोल देता हूँ, लेकिन कुछ जिगल जुगल होता नहीं उसमें, हल्का फुल्का होता है शेक, लेकिन हो जाता है. तो भाई देखो, यहाँ पर हमने लीड बना लिया है अभी अपने गॉर्जियस 2.0 के भाई के अगेंस्ट, और देखते हैं अभी कितना आगे इस लीड को हम ले जा पाएंगे. 4-3 का स्कोर चल रहा है अभी तक और हम अपना लॉन्ग जिगल दिखाएंगे, देखते हैं भाई क्या हम ये वाला मैच जीत सकते हैं. और इनको मैंने देखो यहाँ पर जो फायर देने की कोशिश की थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो करने की कोशिश की थी, बट वही फिर से क्राउच फायर के साथ जिगल जिगल और दे जिगल हो गया मेरा. तो अब जिगल के अगेंस्ट यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें सोच ली थी, ठीक है, कि अगर जीतना है तो मुझे कैसे करना है और क्या करना है. 2-3 बातें थी जो मैं सोच के बैठ चुका था. और यहाँ पर भाई देखो क्या सीन हुआ, इन्होंने क्राउच फायर के साथ जिगल जिगल किया और जो मेरा क्रॉस हेयर था ना उसको मैंने हेड पे ना रख के इनके थोड़ा बॉडी की तरफ रखा, जिससे क्या सीन हुआ, इनका हेड नीचे की तरफ था और मैंने उसको एडजस्ट कर लिया और ले गए भाई आराम से, ठीक है. अब इसके बाद देखो भाई, दूर से आ रहे थे, प्री फायर में आ गए और 50 HP कर दिया. अब 50 HP कर दिया भाई, मारेंगे. यहाँ पर भाई बहुत अच्छा डिसीजन था ड्रॉप शॉट का, मुझे 50 HP कर दिया था, लेकिन इनकी HP काफ़ी लो थी तो एक ही हेड पड़ना था और हो गया भाई गेम ओवर, ठीक है. तो भाई अब 6-4 का यहाँ पर सिचुएशन है, 2 की लीड मेरे पास आ चुकी है अभी. और इसके बाद भाई फिर से हम हिप फायर पर अपना काम करेंगे और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भाई. देखो आराम से गेम प्ले, आप उनको तो नींद आ रही है यार सच में. यहाँ पर जरा मूवमेंट देखना, मैं लेफ्ट जाऊँगा तो राइट जाएंगे, ऊपर नीचे फुल मूवमेंट. अब ये देखो जो मैं लेफ्ट राइट जो मूव करता हूँ ना, काफ़ी लोग पूछते हैं क्या है, ठीक है भाई. जैसे जोनाथन जिगल जिगल करता है ना, वैसे मैंने इसका नाम रखा है लॉन्ग जिगल, ठीक है. हमें जिगल जिगल नहीं करना, मतलब जिटर नहीं करना, अपने आपको बहुत फास्ट लेफ्ट राइट नहीं करना, हमें दूर दूर तक लेफ्ट में दूर राइट में दूर जगह रहना है, ठीक है. और जब सामने वाला जंप करके इधर को आए तो उसके अगेंस्ट मूवमेंट लेनी है. अब यहाँ पर अदनान भाई को बिल्कुल 10 HP करता है, लेकिन उन्होंने हिप फायर पे आकर अपने को ले गए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. 7-5 का स्कोर है अभी भी अपने पास, 2 की लीड बची है और इधर लगता है कि बस अपन जीतने वाला हो रहा है अभी, क्योंकि भाई देखो हाफ टाइम ओवर हो चुका है और 2 की लीड है, बस इस लीड को आकर लेके जाना है. अब दोनों ने एक दूसरे पर प्री फायर दिया और देखो काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया है. 1v1 में हिप फायर एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम आती है,
इन्होंने यहाँ पर लो किया था और देखो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ और वहाँ पे प्री फायर आया और जो कि बहुत ओपी था। प्री फायर में हमें आया और मैं हो गया भाई, मेरा जीजी हो गया। इसके बाद सामने आ चुके हैं भाई, सिचुएशन फिर से वनी वनी होगी क्योंकि भाई 7-6 का स्कोर हो चुका है और यहाँ पर दोनों 50 एचपी हो चुके हैं। मैं यहाँ पर पूरा प्री फायर देता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो उधर से आएंगे भाई साहब, ठीक है। अब देखो जब उन्होंने मेरे को इधर देखा तो मैं कंटेनर के राइट में और ज़्यादा पीछे चला गया ताकि उनको लगे ये पीछे से घूम के आएगा और मैं वापस लेफ्ट से घूम के आ गया। तो ये चीज़ भी काफ़ी यूज़फुल रहती है अगर आपको वनी वन किसी के साथ करना है तो। और इसके बाद तो भाई पता नहीं क्या ही सीन था, मैंने इनको लॉबी में ही मार दिया, लो थे मुझे लगा, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो रियली, मुझे नहीं पता। तो 9-6 का यहाँ पर स्कोर हो चुका भाई, 9-6। कहाँ तक जाएगा ये स्कोर भाई, जी 200 हो रहा है भाई यहाँ पर, 9-6 का स्कोर है अपन अभी 3 की लीड पे। भाई जिसने भी गॉर्जियस 2.0 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना भाई, इनके भी 20K सब्सक्राइबर्स हैं नियर बाय। और यही था रीज़न इनके साथ वनी वन करने का, क्योंकि मैंने कहा था भी मुझे कंटेंट बनाना है। और यहाँ पर भाई अपने पास 4 की लीड आ चुकी है, इनका जो मॉन्स्टर मूवमेंट उनको हम लगभग फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ओके ऑनलाइन है, ठीक है, मुझे लगा AFK हो गए थे। तो भाई देखो यहाँ पर फिर से देखो ये क्राउच फायर जो करते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है भाई देख के। मेरा एम शॉट कितना गंदा होता है ना जब ये क्राउच फायर के साथ जिगल जिगल कर रहे होते हैं। अगर मैं कभी मतलब इन फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि 4 फिंगर या फिर 3 फिंगर फुल जैरो में शिफ्ट हो जाऊँ, तो अगर मैं हुआ ना तो लिटरली भाई ये चीज़ मैं ट्राई करने वाला हूँ। और यहाँ पर तो भाई हेड हेड तक आ दिए क्योंकि ये थोड़ा ये वाला जो एरिया थोड़ा फैमिलियर सा है मेरे को, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि किस लेवल पर जाके अपने को मारना है। और मैं सोच रहा हूँ काफ़ी जल्दी ऑलवेज ऑन पर शिफ्ट हो जाऊँ, जिससे आई गेस काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरा एम चौक काफ़ी ज़्यादा होता है कई बार 1v1 में, जो कि नहीं होगा अगर मैं शायद शिफ्ट हो जाऊँ जैरो पे। तो ये देखो भाई सिंपली यहाँ पर इन्होंने भी फायर रखा, मैंने भी रखा। ध्यान रखना जितनी बार ये बंदा भाई क्राउच फायर के साथ जिगल जिगल करता है ना, उस टाइम हमेशा ओपी रहता है, नहीं तो मैं मोस्टली इनको मार पा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर अपना एमो खत्म हो जाएगा, 1v1 हुआ था, जंप करके अपने ऊपर आ गए थे, बिल्कुल 10 HP छोड़ा था, लेकिन भाई अपना एमो खत्म हो गया। और 12 के बाद 8 का स्कोर चल रहा है, 4 की लीड भी अपने पास है, मैच को होते हुए 8 मिनट होने वाले हैं लगभग, 7.5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जंप लेके आए और मेरा बिल्कुल भी एम चौक नहीं हुआ, सारे शॉट्स हेड एंड बॉडी पे लगाए, जिसकी वजह से इनको मैं ले गया। 13-8 हो चुके हैं भाई, 5 की लीड अपने हाथों में आ चुकी है। अदनान भाई यहाँ पर थोड़ी टेंशन में आते हुए, और भाई देखो बिल्कुल फिर से भाई क्राउच फायर के साथ साथ जिगल जिगल, जिससे मुझे फिर से एम चौक हुआ और मैं फिर से भाई जीजी हो गया मेरा। अब मेरे पास देखो पूरी 4 की लीड अभी तक बची है, तो क्या देखते हैं कि हम इस मैच को एज अ विक्ट्री कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। अब देखो भाई फिर से जंप क्राउच सब कुछ इनकी जो जितनी भी स्किल्स हैं सब बाहर आ रही हैं, जंप के साथ साथ क्राउच एंड जिगल जिगल सब कुछ एक साथ कर दिया। 13-10 का स्कोर है, अब 3 की लीड हमारे पास अभी भी बची है, तो इनको कवर करने के लिए बिल्कुल ही फुल रश खेल रहे हैं, ठीक है, फुल रश गेम प्ले और पोको F1 लाइक जैसे मैं पहले डालता था। और भाई देखो अपना इजीली यहाँ पर हम फिर से हिप फायर लेके आ रहे हैं, ये भी जिगल जिगल कर रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट करेंगे लॉन्ग जिगल, जिसकी वजह से हम इनको आराम से ले गए, जंप करके आए थे लेकिन इनकी HP काफ़ी लो कर दी थी, जिसकी वजह से अपने पास आ चुकी है 4 की लीड। और भाई देखो मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर चुका हूँ, जो जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं लाइव नहीं देखते जिनको नहीं पता कि मैं लाइव स्टार्ट कर चुका हूँ, आ जाना भाई जीजी हो जाएगा, ठीक है, रोज़ की लाइव स्ट्रीम है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। 14-11 का स्कोर चल रहा है भाई, 3 की लीड अभी भी अपने पास है, ठीक है भाई, देखते हैं क्या इस लीड को हम एज अ विक्ट्री कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इनको मैंने पूरी तरह फंसा दिया था, 50 HP में रह गया था लेकिन भाई मैं ले गया। इसके बाद भाई अभी भी देखो सिर्फ 4 की लीड बची है, अदनान भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको बस जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या सीन है, फिर से क्राउच फायर लेके आए, लेकिन मुझे पता था कि क्राउच फायर करेंगे तो मैं हेड की जगह मैं बॉडी पे पूरा एम रखा, क्योंकि क्राउच फायर पे ऑलवेज मेरे को लेके जा रहे हैं, तो मैं इनको हेड की जगह बॉडी पे एम रखूंगा ताकि मेरा एम चौक ना हो, वो हमेशा इसके हेड पे लग जाए उल्टा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाली मूवमेंट के हिसाब से हमें अपनी मूवमेंट कैसे रखनी है, ठीक है। और गाइस दूसरी बात, ये अपना राउंड 1 था, इसका राउंड 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा, हम सेकंड टाइम भी करेंगे अपना ये वाला मतलब 1v1। और देखो भाई फिर से क्राउच फायर लेके आए और मेरा एम चौक फिर से हो गया, क्योंकि मैं हेड पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा इस पर क्राउच नहीं करेंगे, बट क्राउच कर लिया। और अभी अपने पास पूरी 5 की लीड है, 26 सेकंड रह गया मैच खत्म होने में, फिर से यहाँ पर क्लोज एनकाउंटर हो चुका है, क्योंकि देखो मैं मिड रेंज फाइट बहुत कम लेता हूँ, ठीक है, मिड रेंज फाइट लगा लो बिल्कुल ना के बराबर। अब इनको फिर से मैं टकले पर टपली दे के आराम से निकाल लिया, 6 की लीड हो चुकी है, 13 सेकंड बचे हैं भाई, देखते कितना आगे जाएगा ये मैच। और भाई थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको शेयर मार देना जो भी 1v1 के बहुत ज़्यादा शिकारी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने दान भाई मैच लीव कर गए थे बिकॉज ऑफ दैट मच मतलब डीसी में हुआ था। तो भाई राउंड 2 बहुत जल्दी आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्टे ट्यून्ड, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।